नमस्कार, आज मैं आपको कटहल के बारे में बताऊंगा। कटहल को जैक फ्रूट भी बोलते हैं। इसके गुणों के बारे में बताऊंगा। कच्चा तो ये सब्जियों में पकोड़े के बनाने के काम आता है, और पका हुआ फल बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, ये बहुत ही गुणकारी है। इसके अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, प्रोटीन होता है, लोह की मात्रा होती है, खनिज और बहुत से मिनरल्स, और भी प्रोटीन्स वगैरह, फाइबर वगैरह इसके अंदर, कैल्शियम वगैरह मौजूद होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हम तरह तरह के जो कैप्सूल खाते हैं, उनसे अच्छा है कि हम हफ्ते में 2 बार कटहल की सब्जी का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं, खांसी जुकाम रहते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, और कमज़ोर से अपने आप को ज़्यादा महसूस करते हैं, और मौसम बदलने पे धूल मिट्टी से परेशान रहते हैं, हम उसे कहते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता इनके अंदर कम है, जिसे इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। तो इसके अंदर जो मौजूद गुण होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को बढ़ाते चले जाते हैं। ये शरीर की धातुओं को बढ़ाता है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु को बढ़ाता है। जिसके अंदर खून की कमी है, हम उसे एनीमिया बोलते हैं, या पांडु रोग के नाम से भी जाना जाता है। चेहरा सफ़ेद और पीला सा लगता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर फोलिक एसिड की मात्रा होती है, लोह की मात्रा होती है, जिससे खून बहुत अच्छी मात्रा में बन जाता है और बड़ी जल्दी बनता है। जो लोग हमेशा अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, थका थका सा, थकावट सा महसूस करते हैं, उनके लिए कटहल की सब्जी का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। ये ऊर्जा भी देता है और शरीर में ताकत भी देता है। जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, मल त्याग करने 2 बार 3 बार जाना पड़ता है, या 2 दिन 3 दिन बाद आता है, या किसी को बवासीर की शिकायत है, मल में खून आता है, गुदा मार्ग में जलन दर्द होता है, तो उनके लिए कटहल का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से कब्ज़ ख़त्म करता है और बवासीर को जड़ से ख़त्म करता है। जिन व्यक्तियों की नज़र कमज़ोर है, नज़र कमज़ोर तो आज के टाइम में बहुत लोगों की है, क्योंकि हम रोशनी में काम करते हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि हम मोबाइल पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें की रोशनी कम होती चली जाती है, और बहुत कम उम्र में मोतियाबिंद की शिकायत भी हो जाती है। तो जिनको चश्मा लगा हुआ है उनके लिए भी, जिनकी नज़र कमज़ोर है उनके लिए भी, जिनको मोतियाबिंद की शिकायत है उनके लिए भी, इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन व्यक्तियों का बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, टेंशन ग्रस्त रहते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन हमेशा रहता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये बीपी को कंट्रोल करता है और नॉर्मल करता है, यानी कि हाई बीपी वाले का बीपी लो कर देगा, नहीं, बीपी को बिल्कुल नॉर्मल करता है, और नसों को ताकत देता है, जिससे नसों में लचीलापन बना रहे और बीपी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता चला जाए। जिन व्यक्तियों को बार बार कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं, जिसे हम IBS भी बोलते हैं, और संग्रहणी भी देसी भाषा में बोल देते हैं, अंग्रेजी में इरिटेबल बोवल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, तो उस समय क्या होता है कि मल त्याग करने बार बार जाना पड़ता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बड़ी आंतों को, छोटी आंतों को ताकत देता है, जिसकी वजह से खाने का पाचन ठीक से होता है और संग्रहणी की बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर है, ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है, हमेशा हड्डियों में दर्द रहता है, उनके लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी मात्रा में होता है, जिससे ये हड्डियों को ताकत देता है, फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है, जिससे हड्डियाँ, नरम हड्डियाँ भी बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है, जिसकी हड्डियाँ भुरने लग जाती हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिनको जगह जगह खारिश खुजली होती रहती है, हम सब कहते हैं कि ये पित्त दोष जब हमारा बढ़ जाता है तो ये खून को ख़राब करता है। देसी भाषा में समझा देता हूँ, पेट की गर्मी जब बढ़ जाती है तो खून को ख़राब करती है, शरीर में तरह तरह के पिंपल्स वगैरह, खारिश वगैरह, खुजली वगैरह तंग करती है, चेहरे पे झाइयाँ वगैरह तंग करती है, झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है, तो बढ़ती उम्र भी ऐसे लगता है कि और ज़्यादा बढ़ रही है, और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो खून को अच्छी मात्रा में साफ़ करता है, और हार्मोन्स जो है असंतुलन हो गया है तो उसको भी संतुलन में बनाता है, और एक रसायन का काम भी करता है, जिससे क्या होता है कि झुर्रियाँ पड़ना, झाइयाँ पड़ना, ये धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती हैं, और बढ़ती उम्र भी थम सी जाती है, और एकदम नेचुरल ब्यूटी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं ना, आखिरी शाइनिंग, जो देसी भाषा में ओज बोलते हैं, आठवीं धातु होती है, जब सप्त धातुएं पूरी हो जाती है तब आठवीं धातु होती है, तो चेहरे पर एक नूर सा झलकना उस, वो इसके अंदर है, गुण पाए जाते हैं, जिससे ये धीरे धीरे चेहरे का नूर भी बढ़ा देता है। स्किन डिजीज तो ख़त्म करता ही करता है, लेकिन नूर भी बढ़ाता है।
जिन व्यक्तियों को बार बार जगह जगह फोड़े फुंसी निकलते हैं तो इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारी धारणा है कि हाय हम कटहल का इस्तेमाल करेंगे तो फोड़ा फुंसी बढ़ जाएगा। नहीं, फोड़ा फुंसी अगर मान लीजिए आपको निकल गए, आप दवाई लेते हैं तो वहाँ तो रुक जाते हैं, आगे कहीं और निकल जाते हैं। तो इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं, इसका जो आप पिट्ठी सी मान लीजिए पीस के पिट्ठी बना के उस फोड़े पे लेप कर दीजिए, वो अपने आप पक जाएगा, उसके अंदर से जो मवाद होगा निकल जाएगा और पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगा और दोबारा कहीं और नहीं निकलेगा। बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं इसके अंदर। जिनको थायराइड की शिकायत है, चाहे वो हाइपोथायराइड वाले हैं या हाइपर थायराइड वाले हैं, उनके लिए कटहल का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हार्मोन्स को भी संतुलन करता है और थायराइड को भी नॉर्मल करता है। जिन व्यक्तियों का शुक्राणु कम है या वीर्य कम बनता है, वीर्य में पतलापन है, शीघ्र पतन हो जाता है, जिसमें संभोगी क्रिया में जल्दी संकलन हो जाता है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर जो है वीर्य बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं, शुक्राणु को बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं, शीघ्र पतन को खत्म करने के बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं। तो पहले के लोग इसीलिए इस कटहल का इतना इस्तेमाल करते थे, वो कच्चे में सब्जियों के रूप में और पके में एक फल, अच्छा मिठास होती है, इसका कोवा खाया जाता है, और बीज को भी आप निकाल के उसको अच्छे से सुखा के उसकी भी सब्जी बना सकते हैं, उसको भून के खा सकते हैं। मैंने भी खा रखा है, इसलिए मैं आपको कहूँगा एक बार खा के देखना कितना अच्छा टेस्ट आता है इसका। दोस्तों, मैंने अब इसके इतने फ़ायदे बताए तो एक आधा नुकसान भी बताए। तो जिनको बाय की शिकायत है, जिनका वात प्रकृति वाला दो शरीर है, वात वाला दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उनके लिए थोड़ा कटहल का इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है। और जिनको सूजन ज़्यादा रहती है, जिनको कफ वर्धक शरीर है, कफ से रिलेटेड बीमारियां जैसे जुकाम वगैरह लगा हुआ है, तो आप कटहल का इस्तेमाल ना करें। लेकिन जुकाम आपका ठीक हो गया तो आप कटहल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जुकाम लगा हुआ है उस टाइम आप मत खाएं। अब इसकी तासीर बता देता हूँ। इसकी तासीर दोस्तों ठंडी होती है, और इसकी मात्रा बता देता हूँ। मात्रा आप 100 से 200 ग्राम तक खा सकते हैं एक टाइम में, चाहे यही सुबह दोपहर शाम किसी टाइम भी आप खा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।